जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल महाराज की जय। बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो मेरे स्वामी जी महाराज की जय। बोलो श्री जुगल जोड़ी महाराज की जय। बोलो साथ बस हो गया जी। रहमता दादा गुरुदेव दिया बदलावां बरस रहिया। रहमता दादा गुरुदेव दिया बदलावांगो बरस रहिया। रहमता दादा गुरुदेव दिया बदलावांगो बरस रहिया। तेरे दर ते आके दाता तेरे दर ते आगे दाता। रूह गद गद हो रैया। रहमता दादा गुरुदेव दिया बदलावांगो बरस रैया। रहमता दादा गुरुदेव दिया बदलावांगो बरस रहिया। विच छपरा दे जन्म ले आते दुनिया तारने आए। विच छपरा दे जन्म ले आते दुनिया तारने आए। नंगली वाले नाल सब नू मिला के सुते पाग जगाए। नंगली वाले नाल सब नू मिला के सुते पाग जगाए। ऐसी कृपा कीती दादा ऐसी कृपा कीती दादा। रूह गद गद हो रैया। रहमता दादा गुरुदेव दिया बदलावांगो बरस रैया। रहमता छपरा वाले दिया बदलावांगो बरस रैया। पाके चरण शरण ए नादी पाके चरण शरण ए नादी। रूह गद गद हो रैया। रहमता दादा गुरुदेव दिया बदलावांगो बरस रैया। रहमता छपरा वाले दिया बदलावांगो बरस रैया। कुल दुनिया दा भार उठाया मेरे साथे गुरु प्यारे। कुल दुनिया दा भार उठाया मेरे सतगुरु प्यारे। तप कर कर के जीव जगाए। तप कर कर के जीव जगाए। मेरे नंगली वाले तप कर कर के मेरे नंगली वाले। चरण धूल नू मस्तक लाके चरण धूल नू मस्तक लागे।
छपरा वाले की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बंदो चरण सरोज गुरु मुख मंगल आगा, जैसे वत नर होत है भव सागर से पार। गुरु जी के सुमिरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत, ताते सर्वारंभ में ध्यावत ने सब। सबसे पहले तो आज इतनी विराट संगत चंडीगढ़ से आई है, हमारे छपरा वालों ने जितनी भक्ति की होगी, अगर एक अंश भी भक्ति की होगी, चाहे जितनी भक्ति हो उस अंश का अंश ही सही, दादा गुरुदेव महाराज और श्री गुरु महाराज जी से प्रार्थना करते हैं कि वो सारी कृपा दृष्टि वो छपरा वालों को भी इनको मिले, ऐसा हम चाहते हैं। श्री गुरु महाराज की जय। और हमारे रमन भैया ने कहा कि भाई इनके दो घर थे छपरा में, एक तो जहां आप बैठे हैं और एक दादा गुरुदेव की दत्तक माता और पिता का, लाला नरहरी प्रसाद जी का और उनकी धर्म पत्नी जी का। चूंकि हमें दादाजी के ही बारे में बोलना है तो भाव ये है कि उनके ही बारे में बताएं। तो आज आप लोग सब लोग जान लीजिए कि दादा गुरुदेव का दो तो घर था, लेकिन सच पूछिए तो एक ही घर था। अब वो कैसे, 6 महीने के थे तो इनकी माता जी का शरीरांत हो गया। चूंकि लाला नरहरी प्रसाद जी और तुलसी राम पाठक जी एक तरह से मित्रता थी, और तुलसी राम पाठक के पास में वो चीज थी कि हमारी कुंडली बना दे बाबा, यानी एक तरह से पंडिताई वाली थी कि भाई मेरी कुंडली बना दे, मेरी बच्ची की शादी रुकी हुई है, अरे इसका ये थोड़ा सा ये करना है। तो लोग दूर दराज से आते थे, बड़े उच्चे विद्वान पंडित थे और ज्योतिषाचार्य थे, और बहुत दूर दूर से लोग आते थे। उसी क्रम में लाला नरहरी प्रसाद जी भी आए थे अपने लिए आए थे, और उनके कई संतान, 2-3 संतान हो करके भी चल दिए थे। अब इसके लिए वो आए थे तुलसीराम पाठक जी के पास में कि भाई, और चूंकि वो एक बैरिस्टर थे और नामी गिरामी बैरिस्टर थे ये छपरा के, तो आए थे और कहे के लिए कि भाई अब देखो जी, अब ऐसी बात है, अब उम्र में हम मतलब एक ही उम्र के थे, दोनों लोग एक ही उम्र के थे, और संयोग की बात कि दोस्ती तो बढ़ती गई और संयोग से उनका भी एक बच्चा जन्म लिया, फिर दोबारा जन्म लिया था, और वो 6 महीने हो गया था, वो भी गुजर गया था। अब उनके गोद सुना थे, और इधर ये अपनी भी बया नहीं कर सकते थे, इनका भी एक जो इनकी धर्म पत्नी जी तो थी वो भी शरीर छोड़ करके छोटे से 6 महीने के बालक को उन्होंने छोड़ दिया। अब सवाल ये उठता था कि तुलसीराम पाठक ने उनको अपना वो बच्चा दे दिया उनके गोद में कि लो जी तेरा भी बच्चा अगर शरीर छोड़ दिया है और ये बच्चा है तो ये समझो ये तुम्हारा ही है, इसको ले लो, और वो ले कर ले। और लेने के उपरांत जब अब ये दो घर की बात होती है ना कि भाई हमको ले चलो जरा सा नई बाजार, है तो कुछ भी दूर नहीं, यहाँ से हम ले चलेंगे,
लेकिन हमने पूरी रजिस्ट्री ऑफिस में उसको खंगाला, यहां से लेके पटना तक, क्योंकि हम लोगों का पूरा बिहार का पटना ही सेंटर पड़ता है, पूरा खंगाला, कहीं नरहरि प्रसाद का, उनके पिताजी का कहीं नाम और जिक्र नहीं आया। और चूंकि वो मुसलमानों का इलाका है तो और भी, अब सवाल ये उठता है कि खंगालने के बाद हमको यही पता चला कि जब वो बुजुर्ग 2002 में जब हम आए थे और लगभग 89-90 साल के थे, वो इतना था, और यही कहते थे कि बेटा तुम आए हो ये जगह के लिए, आए हो जगह के लिए, आए हो जगह के लिए। तो हमने कहा कि हाँ बाबा, हम तो जगह के लिए आए हैं, अगर ये मिल जाता हमारे दादा गुरुदेव का है। और तो कहाँ से जुड़े हो बेटा? हम कहे कि जुड़े हैं तो श्री आनंदपुर से, और चूंकि हमको मॉडल टाउन वाले भाई जी ने और श्री शुद्ध वर्मानंद जी ने हमको ये कहा है कि बेटे छपरा में हमारे दादाजी का जन्म धरती है, जरा उसको खोज के लिए आओ, जरा सब बताओ तो जरा सा वो जन्म धरती अगर मिल जाए तो बड़ा अच्छा होगा। तो इसी के लिए आते जाते थे हम, और संजोग से ले भी लिया। उसके बाद 3 दफा ही बुजुर्ग हमको मिले, चौथे दफा जब उनसे हमने जानना चाहा कि भाई और कुछ जान ले इनसे, तो दिखाई नहीं दिए, पता नहीं वो अचानक वो गायब हो गए। दूसरी बात, हम वही लेके चलते हैं दादा गुरुदेव का वो पावन, वहां जहां यहां से वो जाते थे नई बाजार, लाला जी के धर्म पत्नी लेके जाती थी। और सच बात बताएं, दादाजी इतने रोने और चिल्लाने लगते थे, आपू नाम था इनका बचपन का, और ये इतने रोने चिल्लाने लगते थे कि लाला जी की पत्नी धर्म पत्नी बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। और पुनः जब ये बच्चा मकान में इसमें चला आता था, एकदम चुप हो जाता था। और केदार घाट वाले परमंस महाराज जी यदा कदा आते रहते थे, चूंकि शहर के विद्वान पंडित थे ये तुलसीराम पाठक जी और केदार घाट वाले परमंस महाराज जी, इनके यहां आते जाते थे। तो जब ये लगभग 5 साल के हुए तो इनके पिता का भी शरीरांत हो, तुलसीराम पाठक जी भी शरीर छोड़ दिए 5 साल की उम्र में। अब ये हो गए अपने माता और पिता से अकेले, और पता ये चला हमको, वो तो बुजुर्ग थोड़ा बता करके गए कि पता ये चला कि तुलसीराम पाठक का ही घर को ही उन्होंने आशियाना बना लिया, मतलब अब वहां से वो छोड़ ही दिए, लगभग छोड़ दिए और यहीं आकर के बस। क्योंकि दादाजी रोने लगते थे, हापू रोने लगते थे, और जैसे ही इस मकान से, इस बाउंड्री से बाहर जाते थे रोने लगते थे, तो पुनः जो है वो यहीं आ जाते थे, और जैसे आते थे वो चुप हो जाते थे। तो अब हम संगत तो बार बार पूछती है कि भैया वो जरा लाला जी का घर दिखाओ, लाला जी का घर दिखाओ, हमें खुद पता नहीं, इतने साल से हमने बहुत कोशिश किया तो हमको भी लाला जी का घर नहीं मिला, और कहीं कहीं उसका आता है कि ये है वो है, तो हमने कहीं नहीं, पक्का प्रमाण हो जैसे दादाजी के इस जन्मभूमि का प्रमाण मिला, उस तरह के प्रमाण वहां नहीं मिल पाए। तो ये बात रही। अब उसके बाद से केदार घाट वाले परमंस महाराज जी का आगमन होता है, और यहाँ आगमन होता है, और वो हर एक डेढ़ साल बाद आते रहते थे तो 2 दिन ही रुकते थे, और तुलसीराम पाठक जी का ही घर आशियाना था उनका, यही रुकते थे और यही से चले जाते थे। अब सवाल ये उठता है कि केदार घाट वाले परमंस महाराज जी, ये बार बार हापू बाबा कहते थे कि बाबा ये तेरा ये चोला जो है ना बड़ा हमको अच्छा लगता है, तू इसी चोले में हमको क्यों नहीं रंग देता है, बड़ा अच्छा लगता है, हमें थोड़े है ये दुनियादारी से हमें क्या मतलब है, हमको भी साथ ले चलो ना। तो 8 साल की उम्र में दादा गुरुदेव ने कहा कि भाई बाबा अब हम साथ चलते हैं। तो ये 2 गली हैं, एक तो ऐसे जाती है रोड पर जाती है, और ये भी गली दोनों बराबर की गली है, और दोनों आगे जाकर के 4 मुहानी पर मिल जाता है। तो इस रास्ते से जा रहे थे परमंस महाराज जी, तो इनके पीछे हापू हो लिए कि बाबा, तो उन्होंने एक विद्या बताई कि ये विद्या का पालन करो और फिर हम 1 साल बाद आएंगे, तब जाकर के देख तेरे अपने माता पिता तो शरीर में रहेंगे, अब दत्तक माता पिता हैं और तेरे पिताजी ने इनके हवाले करके गए हैं, अब बताओ कि दत्तक माता पिता का क्या हाल हो।
और संजोग की बात देखिए कि इनको लाला जी की धर्म पत्नी को फिर दूसरा संतान भी नहीं हुआ। बात आप समझ रहे हैं ना, इनको दूसरा कोई संतान भी नहीं हुआ। उतने साल गुजर गए ना, 6 महीने के थे तो उनके गोद को दे दिया था, गोद में दे दिया था। उसके बाद 8 साल हो गए, 9 साल हुए, उनको दूसरे संतान नहीं हुए। और धर्म लाला जी और लाला जी की धर्म पत्नी ने भी ये सोच लिया कि बस अब हमको इन्हीं के साथ में ही जीना है। ये भी बात है। तो कहते हैं कि बार बार केदार घाट वाले प्रभंस महाराज जी कहते थे कि जब तक ये दोनों शरीर में रहेंगे तब तक तो तुहापू यही रहेगा, जब इनका शरीरांत हो जाएगा तब तो निश्चिंत हो जाएगा। तो कहते हैं कि एक दफा जब इनकी उम्र 10 साल 10.5 साल की थी तो केदार घाट वाले प्रभंस महाराज जी आए थे। और वो आए तो उन्होंने कहा कि अरे हप्पू, जो मैंने तुम्हें विद्या सिखाई थी उसे तुमने वो किया तुमने? तो हाँ महाराज मैंने किया, तो जरा करके दिखा जरा सा। और कहते हैं कि दादा गुरुदेव जब ध्यानस्थ हुए तो 9 फीट 10 फीट ऊपर उठ गए। और 10 फीट ऊपर उठ गए तो परमंस महाराज जी ने कहा कि अरे रे रे तू नीचे ऐसे किए हाथ से नीचे, कहा कि ये विद्या वो नहीं है जो हम सिखा के गए, ये असली नहीं है, ये असली नहीं है। और तब जाकर के उनको दादा गुरुदेव को अपने हिसाब से उस विद्या को उन्होंने बताया। और कहते हैं कि पुनः उन्होंने, जब आप सुनी रहे हो तो थोड़ा टाइम भी देना, तो जब वो ये कह के गए तो वो बड़ा निश्चिंत होकर के उनके में ही रमन करने लगे केदार घाट वाले परमंस महाराज जी के। और 13 साल की अवस्था में इनके दत्तक पिता लाला जी का भी शरीरांत हो गया। 13 साल की उम्र में उनका भी शरीरांत हो गया। अब रह गए लाला जी की धर्म पत्नी। जब लाला जी का भी शरीरांत हो गया तो केदार घाट वाले प्रभंस महाराज जी आते हैं और कहते तो फिर ये हापू बाबा ये कह रहे हैं कि बाबा अब तो ले चलो हमको, अब क्या है रखा है, अब तो चले हम साथ में। कहा कि देख बेटे अब एक ही माँ रह गई है, जब तक माता और पिता भी शरीर छोड़ दिए, तेरे अपने माता पिता भी शरीर छोड़ दिए, अब बताओ कि लाला जी की धर्म पत्नी कहाँ जाएंगी, तेरी दत्तक माता कहाँ जाएंगी, तेरे लिए तो इन्होंने अपना सब कुछ छोड़ छाड़ रखा है। तो कहते हैं कि 17 साल की अवस्था में लाला जी की धर्म पत्नी भी शरीर छोड़ दी। उसके पहले प्रभंस महाराज जी ये कह के गए थे कि देख बेटा सिर मुड़ लिया है, सिर तो ऐसे मुड़ लिया है, बस हाजाम से जा करके और तू शरीर मुड़वा लेना, बाकी तो तू परमहंस हो गया। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। तो अब सवाल ये था कि उनका अंतिम क्रिया जो हम लोग के यहाँ बिहार में औरत लोगों का ये होता है 13 दिन पर और मर्दों का होता है 16 दिन पर, 13 दिन पर पिंडदान वगैरह होते हैं। तो पिंडदान की क्रिया जो हो रही थी यहाँ जहाँ दादा गुरुदेव विराजमान हैं, जहाँ उनका अवतरण हुआ था, उनके इस साइड में उनकी पिंडदान क्रिया हो रही थी। जब सारी पिंडदान की क्रिया हो गई तो 17 साल के, अब चूंकि दादा गुरुदेव तो थोड़ा रिष्ट पुष्ट थे, हाँ गुलठुल शरीर के थे, थोड़े पंजाबियों से थे जैसे, उनका शरीर भी वैसा ही था। तो जब पिंडदान हो गया तो यहां से उठे और चल दिए। अब चलने के बाद में इस गली से निकले तो दूर के, यानी आप ये देखिए जरा सा, ख्याली राम पाठक का कोई लड़की भी नहीं थी, कोई दूसरा लड़का भी नहीं था, एक ही लड़का औलाद जन्म लिया था, उसका नाम तुलसी राम पाठक था। और तुलसी राम पाठक का भी कोई लड़की भी नहीं थी, एक ही औलाद हुआ था और वो हमारे प्रभंस महाराज जी थे, हापू बाबा थे। तो इनके 3-4 पीढ़ी से एक ही चला रहा था। अब चूंकि इनके दूर के रिलेशन के लोग आए थे, आ गए थे, चूंकि तुलसी राम पाठक जी का बहुत ऐश्वर्य था, क्याली राम पाठक बहुत दूर, तो जो बहुत दूर के रिलेशन के थे वो उस पिंडदान में आए हुए थे। तो जब इस रास्ते से निकले तो 5-6 लोगों ने घेरा उनको कि अरे भाई तू जा कहां रहा है।
दो दो घरों का मालिक है और ये सब छोड़कर फिर ये कैसे चलेगा? फिर ये जो परंपरा है, अरे कम से कम एक ही चला आ रहा है, तो तू भाग कर चला जाएगा तो फिर कैसे चलेगा ये? तो उन्होंने कहा कि देख मेरे भाई, अब हमको छोड़ दे, और अगर तू नहीं छोड़ेगा ना तो जबरदस्ती करनी पड़ेगी। और 17 साल की उम्र में इस तरह से ठोकर दे करके और कहे कि नहीं, अब हम आजाद प्रवृत्ति के हैं, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता, और दौड़ करके भाग गए। और बस छोटी भक्ति दे करके छपरा वालों को वो आजाद हो गए, और सारी भक्ति जो थी वो जयपुर साइड में दे करके और पंजाब के लोगों को श्री गुरु महाराज जी के तैयार करके छपरा वालों को थोड़ी सी दिया था, बस थोड़ी सी भक्ति दी थी। और इसके बाद ये आप हिसाब लगा लीजिए कि पुनः उन्होंने पैर तक भी छपरा में नहीं रखा था कि यहाँ के लोग उस भक्ति के लायक नहीं है, छपरा वाले भक्ति के लायक ही नहीं है। क्यों जाना है? इस बात के लिए जाना है। यहां से बक्सर गए और उनका बड़ा प्रेमी जगह था, गंगा तट पर वो जाते थे, और गंगा तट पर कि भाई हमारा ये रैन बसेरा रहेगा और वहां जहां पानी मिल जाए, खाने की चिंता कोई नहीं रहती थी, बस पानी मिल जाए, और पानियों से उनका गुजारा हो जाता था। और पुनः उन्होंने छपरा में कदम तक नहीं रखा। अब आप ये समझिए कि इतने साल बाद अगर इस मालिक को हमने यहां विराजमान किया, तो हमने ये सोच करके नहीं किया कि सिर्फ छपरा वालों के रहेंगे कभी आगे। भैया ये इतनी दूर की भक्ति है, और आप जब आए हैं तो सबका होना चाहिए। इस ख्याल से हम लोगों ने इनको विराजमान किया, और कहते हैं कि यहाँ इनको रखा हम लोगों ने, और रख करके चाहते तो जब इनका सर जमी ले सकते थे तो थोड़ा बहुत छप्पर वगैरह लगा करके इनकी आरती पूजा तब भी और दिन तक चला सकते थे। लेकिन मन में भाव था कि भाई इनके ऐश्वर्य को पूरी दुनिया जाने, जिस दादा जी से ज्ञान की गंगा वही है, वहां सारे लोग आए, यहाँ ज्ञान में डुबकी लगाए, मालिक के चरणों में आए, तो भाव तो यही था। और इसी भाव के लिए आज ये देखिए कि 130 लोग का परिवार था छपरा में श्री आनंदपुर का, और जब उन्होंने कह दिया कि नहीं इतनी छोटी जगह में हमें गुजारा, हमारी दो संगत नहीं खड़ी हो सकती है, तब जाकर के हम छपरा आए हम लोग। और उन्होंने लोगों ने कहा कि ऐसा करते हैं कि इस पूरे जमीन को हम फिर बेच देते हैं और जा करके आनंदपुर में इसके पैसे को भेंटा कर देते हैं। जब हमारे पंचम महाराज जी ने ये कह दिया कि भाई अब इतनी छोटी जगह में हम क्या बनाएंगे, और सवाल ये उठता है कि हमारे बुजुर्ग छेदीलाल जी थे, वो हमसे काफी उम्र में, अब तो 81 साल के हैं, आज भी जीवित हैं, हम दो लोग लड़ाई लड़े कि नहीं भैया, हम इतने मत प्रमंस के उस पावन जमीन को हम लोगों ने लिया है, उस पावन जन्मभूमि को लिया है, तो ऐसा नहीं कर सकते कि हम इसको हम इतने बड़े प्रमंस की जमीन को क्यों बेचेंगे, आखिर काहे के लिए बेचेंगे, और उन पैसे का क्या होगा। और इस भाषा को जैसे बैठे थे ना, इसी तरह की लगी हुई थी, सबकी लगी हुई थी, हमने जवान उठाया कि हम नहीं बेच सकते, तो तुम गुरु की आज्ञा कर रहे हो और तुमको इसका खामियाजा भोगना पड़ेगा। हमने कहा कि चलो अब इससे भी अब क्या करना है, मालिक को जो करना होगा वो करेंगे, हमें कोई बात नहीं है, लेकिन ये बन के रहेगा, चाहे तुम लोग रहो या चाहे जो भी हो जाए। चूंकि वो बुजुर्ग जो थे हमारे साथ में थे, और वो कहे उन्हीं के नाम से, हमने कहा कि चलिए आप ही के नाम से ले लिया जाएगा, और चूंकि बड़ा हमारा वो इज्जत करते थे, कहते थे कि नहीं मनोज, जो तुम जहां खड़ा हो जाओगे हम वहीं पर रहे हैं। तो बात ये हो गई कि 17 लोग एक तरफ और 113 लोग एक तरफ, और उनका ये था कि इसको हम लोग बेच करके वहां जाकर के पैसे जाके चढ़ाए, और 17 लोगों का था कि कभी नहीं, हम लोग यहाँ बनाएंगे चाहे जैसे भी होगा। और चूंकि जिनके नाम से लिया था, जिनके नाम से लिया था, वो तो बस हमारे थे, वो तो हमारे, उनमें और हमें कोई फर्क नहीं था।
तो बात ये हुई, उन्होंने बेटी रोटी तक भी कर दिया कि भाई तुमसे और हमारा आज से रिश्ता बंद रहेगा, अब किसी तरह का तुम जाओ। अब 113 वो हो गए, 17 हम हो गए, और आज देखिए कि वो 113 को कौन कहे कि श्री आनंदपुर भी आ रहा है, श्री नगली भी आ रहा है, आज तो सब आ रहे हैं ना, आज दादाजी की, और आज उनको ये समझ में आ रही है कि अगर श्री गुरु महाराज जी इस पर बस गए, अरे हम लोग क्या कर सकते हैं, आप जरा सोचिए, है औकात किसी की, है औकात जो इनके मर्जी के खिलाफ कोई काम कर दे। अब उन्होंने ही कहा कि नहीं, ये तो काम बड़ा गलत हो जाता।